अमर एमने जमू बूढ़े बुत के पुजारी बेटे मुसलमान हो गए। भाई इसको कैसे ईमान पे लाएं, बूढ़ा आदमी जल्दी नहीं मानता, देर से मानता है। तो उन्होंने क्या किया, रात को उसके बुत को उठाकर एक कूड़े पर डाल के आ गए। सुबह उठे, मेरा खुदा कहां, देखा तो कूड़े पर पड़ा हुआ, कहा हाय मेरे अल्लाह, अगर मुझे पता चलता तेरे साथ किसने किया तो मैं उसे कत्ल कर देता। उसको धोया, नहलाया, गुस्ल देकर खुशबू लगा कर रख दिया, पूजा पाठ की। रात को वो आए, फिर उसे उठा के गंदगी के ढेर पे रख दिया। दो तीन दिन ऐसा किया तो वो थक गए। रात को एक दिन आए, तलवार उसके पास रख दी, कहा भाई मेरे खुदा, मैं बूढ़ा आदमी, पैरा दे नहीं सकता, ये तलवार पड़ी है, जो है तो खुद ही दिफा कर लेना। अब जब उनके बेटे आए, देखा तो तलवार पड़ी हुई, उन्होंने क्या किया, बाहर गए और एक कुत्ते को देखा जो मरा पड़ा था, टांगे ऊपर हो चुकी थी फूल कर, उन टांगों के साथ उसको बांध दिया। जब सुबह हुई, ढूंढते मेरा खुदा, देखा तो खुदा साहब कुत्ते के साथ बंधे हो, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तो खुदा होता तो कुत्ते के साथ ना बनता। मुसलमान हुए और फिर ओहद की लड़ाई में आया रसूल अल्लाह, ये लंगड़े थे, उरीदु अन अतअल जन्नत बिअर्जती, मैं चाहता हूं इसी लंगड़े पांव के साथ जन्नत की घास पे चलूं। आपने फरमाया जाने दो इसे, शहीद हो गए। आप जब उसकी लाश पर से गुजरे तो आपने फरमाया मैं देख रहा हूं, यताउल जन्नत, मैं देख रहा हूं जन्नत को रोंद रहा है, नहीं सब अर्जत ही, लंगड़े पांव से नहीं, बल बेरजरे है सही पांव के साथ जन्नत को रोंद रहा है।